कैसे भाई सबको? राम राम। आज है संडे, हम आ गए आज स्कूल वापिस घूमने। ये देखो ये पीछे शेक बने हुए हैं। संडे है, क्राउड है, छुट्टी पे सब आए हुए हैं क्योंकि ईद था ना। ईद की वजह से 3-4 दिन सब घूमने के लिए आए हैं छुट्टी पे। सब इंजॉय कर रहे हैं, सब बीच पे सब बैठ बैठ के हैं, धूप भी बहुत है। सामने पैरा सेलिंग चल रही है, ऐसा दिखता है कुछ कुलवा बीच। अभी आगे पैरा सेलिंग हो रही है, चलो मैं कुछ दिखाता हूँ आगे जाके। यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट मिलते हैं आपको। वहाँ पैरा सेलिंग हो रही है, थोड़ा दूर है, दिखाएंगे आपको। और जो जो देख रहे वीडियो भाई, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल प्लीज़। मैं बहुत दिन से बना रहा हूँ, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। पहले तो व्यू ही नहीं आ रहा है वीडियो पे, सब्सक्राइब तो बोल दिया गया। पहले व्यू आएगा तब तो सब्सक्राइब आएगा, मेरी वीडियो व्यू ही नहीं आता यार। अगर साउथ गोवा आ रहे हो कोलवा बीच पे, तो सबसे अच्छा होटल जहाँ पे मैं काम करता हूँ, नाम है विलियम्स बीच रिट्रीट। वहाँ पे बजट होटल है, आपको सबसे कम रेट में सब मिल जाएगा। आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएंगे, रूम भी अच्छे मिल जाएंगे, बजट होटल में सबसे अच्छा कोलवा बीच में। कभी भी आओ साउथ गोवा कोलवा बीच, मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं खुद रिसेप्शन पर काम करता हूँ, आपको मस्त अच्छा रेट में अच्छे प्राइस में होटल दिलवा दूँगा आपको, ठीक है? तो कभी भी आए कोलवा बीच, हमसे कांटेक्ट कर लेना। एक तो यहाँ पे है कोलमार बीच रिसोर्ट, वो भी अपना है। एक यहाँ से 150-200 मीटर आगे है, उसका नाम है विलियम्स बीच रिट्रीट। अगर ऑनलाइन देखोगे फिर भी दिखाएगा, बहुत अच्छा होटल है भाई। ऐसे मैं यूपी से हूँ, अगर कोई बंदा यूपी से आ रहा होगा, यूपी बिहार से, तो और अच्छा है क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ। बहुत अच्छा पड़ेगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना, मस्त होटल दिलवाएंगे भाई मेरी गारंटी के साथ, ठीक है? सबसे कम रेट में सबसे अच्छा होटल। और ये जो कोलवा बीच है ना, यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, वाटर स्पोर्ट सब कुछ, पैराग्लाइडिंग भी मिलता है, लेकिन 1 जून से बंद हो जाता है बीच, फिर अक्टूबर में चालू होता है। 1 जून से बंद हो जाएगा, अक्टूबर में फिर चालू होगा, क्योंकि पूरा पानी भर जाता है वहाँ तक ना, तो पूरा होटल वोटल नहीं चलते, इसके लिए कम क्राउड होता है, लेकिन रेट नॉन सीजन में बहुत कम रहता है। आते हैं घूमने वाले तो आते हैं ये नॉन सीजन में भी। देख रहे हो संडे का क्राउड, मैं यहीं पे रहता हूँ भाई, रातों दिन घूमता रहता हूँ यहीं बीच पे। ये पीछे दिख रहा है, ये है कोलमार बीच रिसोर्ट हमारा होटल, और जहाँ पे मैं करता हूँ वहाँ से 200 मीटर पीछे है, दोनों अपना ही है, कभी इधर रहता हूँ कभी उधर रहता हूँ। मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा अपना होटल का, आप मेरे से मैसेज में टिक करके मांग सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर, कभी भी कॉल भी चाहो घूमने। और आपको दिखाता हूँ वहाँ, थोड़ा दूर है यार, बीच पे चलते चलते जाओगे पता ही नहीं चलता कितना दूर आगे घूमते घूमते, फिर भी 1 किलोमीटर दूर है लगता है, पास में लेकिन दूर है। आज मेरा भाई लोग आ रहा है घूमने के लिए बीच पे, तो हम भी आ गए, हम कहे चलो हम भी थोड़ा घूम के आ जाते हैं। थोड़ा सा पहले ही आ गया मैं, इसके लिए मैं लगा वीडियो बनाने के लिए कि कुछ डाल दूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और लोग को लगेगा 10-15 मिनट, तब तक मैं अपना वीडियो शूट कर लूँगा, फिर रहेंगे नहाएंगे वहाँगे मस्त। और जितने मेरे दोस्त हैं कर्नाटक के, सब मुसलमान भाई लोग हैं, सबकी ईद की छुट्टी हुई है, बहुत पहले से आते मेरे होटल पर, उन लोगों को कम रेट में होटल दे दिए हैं, सब दोस्त अच्छा रेट में रूम दे दिया भाई, वो लोग बहुत खुश हैं, मज़े आता है, सब नए एज के हैं सब लड़के,
बहुत मज़ा आता है घूमने में। और दिखाता हूँ आपको, रशियन वर्सियन तो भाई इसमें बहुत कम दिखता है, फिर भी है थोड़े बड़े। वो तो सामने दिख रहे थे तो बॉम्बिस बॉम्ब्रिज रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे पूरा फॉरेनर ही मिलते हैं। और ये सामने भाई साहब दिख रहा है, देखो धूप में किस कर रहा है। छोटे लोग मत देखो, खराब हो जाओगे, ठीक है। ये देख रहे हो बिंदास किस कर रहा है एकदम। ये गोवा, अब देखो भाई मस्त किस विस कर लिया, अब जा रहे ना आने के लिए। पता नहीं कैसे किस करते हैं भाई सबके सामने, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता। अभी वो देखो आ रहा है तेरा सेलिंग पे। वहाँ पे थोड़ा एरिया खाली है ना, इसके लिए वहाँ से पैरा सेलिंग करने के लिए इजी पड़ता है। पैरा ग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं भाई, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भी दिखाता हूँ, देख रहे हो वो देखो सामने। देखो आगे कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोग, मजा भाई सब कुछ मिल जाता है यहाँ। कोलवा भी पैसा भी है, सब कुछ जो चाहे वो।